हाँ भाई, ओ यार भाई 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 ये यार भाई बच्चा है, देखो भाग रहा है। ओ यार उधर 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 चल। फिर लोग काफ़ी नज़दीक ही बोले पहुँच चुके हैं यार। हाय दोस्तों, नमस्कार प्रणाम, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक राज। दोस्तों हम आपको पहले बता देते हैं कि आज हम और फिर से कैमरे के साथ नितेश भाई मौजूद हैं। हम जिस लोकेशन पर चलने वाले हैं, हम आपको पहले बता देते हैं कि उस बच्चे की आत्मा जहां पे मौजूद है, जिस जगह पे वो ट्रैक्टर से दबकर उसकी मौत हुई थी, आज हम लोग फिर वहीं पर चलने वाले हैं। उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए जो कुछ भी होगा हमसे, हम वो करने वाले हैं। काफ़ी दिन बाद हम यहाँ पर आ रहे हैं। इसके पीछे का जो रीजन हम आपको पहले बता दें कि इस जगह पर लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है। इतना बारिश हो रही है कि यहाँ पे आना ही मुश्किल हो रहा था। आज भी बारिश हो रही थी, जस्ट अभी 10 मिनट पहले ही बारिश बंद हुई है। हम लोग कोशिश किए कि वास्तव में उस बच्ची की लोकेशन पर चला जाए और जो भी कुछ हो सके वहाँ पर बच्ची की आत्मा की शांति के लिए कुछ किया जाए। इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी, हम आपको बताया 5 दिन लगातार से ऐसे बारिश हो रही थी, इसीलिए हम और नितेश भाई यहाँ पर आ नहीं पाए। कुछ लोग भाई कमेंट भी कर रहे थे कि यार वास्तव में आप लोग वहाँ पे जाइए और उस बच्ची की आत्मा की शांति कराइए, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। इतना बारिश हो रहा था कि हिम्मत नहीं कर रहा था कि इस जगह पर हम लोग रात में 12 बजे 11 बजे यहाँ पर आ जाए। फिलहाल बिना देर किए हम लोग उस लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां पे उस बच्चे की ट्रैक्टर से दबकर मौत हुई थी, जहां पे उस बच्चे की आत्मा आज भी रात में लोगों को दिखाई देती है। फिलहाल जो कुछ भी है यहां से हम निकलेंगे। काफी नजदीक में भी हैं लोग। अभी आप देख रहे हैं ना नितेश, अभी जस्ट बारिश बंद हुई है, काफी मौसम भी खराब है यार, बारिश हो सकती है, फिर वही दिक्कत है ना, क्योंकि उसकी आत्मा की जो शांति कराने के लिए वहां पे कुछ न कुछ हम लोग को हवन या कुछ भी करना पड़ेगा उस जगह पे। हाँ ये देखो बारिश, देखो पानी नीचे पूरा खेत भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है, भाग कर जा रहा है आगे से। ओ भाई, ओ यार नितेश गया उधर, जल्दी 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 तरफ हरवा जाता है, उधर ही हमेशा जा रहा है यार, संभाल कर बाइक भी चल सकती है। बारिश हुई है यार इस जगह पे भी, झड़ी गई है, गिरी रही थी यार, काफी सुनसान जगह, वो भी इतनी बारिश हो रही थी। अभी हम आपको बता दें कि 10 मिनट पहले यहाँ पे जोरदार बारिश हुई है यार, पूरा पानी भरा हुआ है यार। काफी बारिश हुई है,
एक काम करते हैं, बच्ची लगातार इधर ही जा रही है, इसका मतलब कुछ तो इस साइड में है यार। इसी जगह पे हम लोग उस बच्चे की आत्मा के लिए यहाँ पे जो कुछ भी करना है हम लोग यहीं पर करेंगे, समझ गया ना? क्योंकि बार बार उस बच्चे का यहाँ पे आना कुछ ही संकेत दे रहा है कि हो सकता है कुछ जो बच्चे की आवाज रही है। इसी जगह पे पूरी तैयारी कर रहे उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए, समझ गया ना? वीडियो बंद कर दो और पूरी तो सावधान रहना, और क्योंकि अगर कुछ भी ऐसी चीज दिखे यार तो वीडियो शूट करना, समझ? अरे ये कैसी आवाज थी? ऐसे किसी जानवर की आवाज? अरे पता नहीं कहाँ से आवाज आई, तुरंत तैयार किया कि बारिश अभी भी आ सकती है और हो सकता है कि हम लोग का ये उसकी आत्मा की शांति की जो भी क्रियाएं हैं अधूरा रह जाए यार। काफी ज्यादा मौसम भी खराब है और तत्काल कुछ क्रिया करते हैं हम लोग। चलो कट करते हैं, वीडियो बंद करते हैं। बस अभी हमारा ये जो सारी चीज़ें हैं अभी रेडी हैं, और कुछ हमें उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए हमें कुछ मंत्रों का अभी उच्चारण करना पड़ेगा, और उस बच्चे को यहीं पर बुलाकर और इस जो छोटा सा हम बनाया है अभी पुतला बनाया है, एक बच्चे का पुतला बनाया है, और उसी पुतले के अंदर उस बच्चे को उसमें समाहित करके और उसको उसी बच्चे को अभी हम जलाने वाले हैं। जैसे ही उस बच्चे की आत्मा इस पुतले के अंदर आएगी वैसे ही ये पुतला अपने आप जलने लगेगा यार। हम आपको बता दें कि ये काफी खतरनाक होने वाला है, काफी रिस्क होने वाला है, क्योंकि जो भी चीजें हम आज करने वाले हैं कोई आम बात नहीं है यार। बारिश भी शुरू हो गई है, एक एक बूंद आप देख रहे हैं बारिश भी हो रही है, और ऐसी जगहों पर लगभग 12:40 अभी हुआ होगा, क्योंकि अभी 12:30 हुआ था अभी जब हम लोग यहाँ पे ये सब बना रहे हैं। और आपको बता दें कि उस बच्चे की आत्मा को यहाँ पे बुलाने के लिए हम उस मंत्र को बार बार उच्चारण करेंगे। अगर जैसे गुरु जी ने बताया था कि अगर वो बच्चे की आत्मा जैसे ही इस पुतले के अंदर आती है वैसे है वो जलकर राख हो जाएगी और उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। फिलहाल जो कुछ भी है हम कोशिश करते हैं यहाँ पे बैठ।
काम करो, हम शुरू करते हैं और तुम थोड़ा सावधान हो जाना, क्योंकि अगर जब ऐसी जो चीज़ें आती हैं ना, वास्तव में काफ़ी खतरा हो सकता है, जो आसपास लोग होते हैं उनको भी है, समझ गया ना। चलो चलो, तुम पीछे भी हट सकते हो और वहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, समझ गया ना। इसके पीछे एक बार देखो, कुछ इसके पीछे कुछ है क्या, ऐसा लग रहा है। Oh, my God.
भाई कैसे हुआ? अरे यार देखिए यार कैसे लग गया उसमें, जलने लगा ये तो। नितेश ये क्या यार कैसे हुआ? लेकिन ये पुतला जल रहा है यार। हाँ देख लो अचानक आग लगी। पुतला यार, पुतला अपने आप जल रहा है यार। इसका मतलब क्या है नितेश? उस बच्चे क्या तुझे शांति हुई यार? मिली क्या हम लोग यार भगाया जा रहा है यार समय यार। अचानक से इसमें आग लगा, बहुत अजीब लगा यार। ओह यार है कि हो क्या रहा है? ये फूल देखो पूरा जल गया। फूल जल गया ऐसा लग रहा है क्या तुम्हें? जिस हमें लग रहा है ना उसकी जो आत्मा यार उसमें जलकर राख हो गई यार, समझे यार। अरे बोल रहे कैसे हो? ये कैसे होता है यार? अरे अरे यार आवाज आ रही है नितेश। नितेश कैसे हो सकता है यार? अरे कहाँ लेकिन वो पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही है। जिसे बताया था यार कि अगर वो जल जाता है यार तो समझ लो उसकी आत्मा वहां पे जल कर राख हो जाती है। लेकिन ये हमें लग रहा है नितेश इतना पावरफुल है ना अपने आने से पहले इसको जला कर राख कर दिया है। हो सकता है ये हो सकता है नितेश क्योंकि अभी भी उसकी आवाज आ रही है यार, समझिए। लेकिन यार ये मुमकिन नहीं है यार नितेश, जिस तरह से यार बताया था उसी तरह से हमने किया और आग भी यार जला भी उसी तरह से यार। लेकिन जलने के बाद भी उस बच्चे की आवाज अभी भी यहाँ पे नजर मतलब सुनाई दे रही है यार, ये क्या हो सकता है यार? गुरु जी से पूछना पड़ेगा, ऐसे नहीं तो अपनी शक्ति से वो इसे जला दी हो यार। हो सकता है। एक काम करो निकलो यहाँ से, समझ गए ना? चलो लगभग इस समय हमको बताते हैं 1:30 बज गया होगा यार, काफी रात हो चुकी है। इतनी रात को हम लोग जो क्रियाएं कर रहे हैं वो भी हमें लग रहा है कि असफल हुए हैं क्योंकि जलने के बाद अब उस बच्चे की आवाज उसे नहीं दिखना चाहिए था लेकिन अभी भी उसकी आवाज लगातार आ रही है। चलो बाहर चलते हैं, छोड़ो देश देखो यहाँ से पहले यार छोड़ो सब बाहर ले लेते हैं। सूझ सूझ चलो निकलो चलो चलते वीडियो बनते निकला।